हेलो जी, गुड इवनिंग। तो यार कैसे हो आप सारे के सारे? तो आज के सेशन को मैं बनाना तो बहुत डीप नॉलेज के साथ था, लेकिन कमी होने के कारण, क्योंकि अभी रात के करीब 10:40 हो चुके हैं, तो मैं इस वीडियो को बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना चाहता हूँ। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं इस सेशन को बहुत ही मतलब के साथ बहुत, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस सेशन को आप भी फिर भी आप देख सकते हैं। बिकॉज मैं इस सेशन में बहुत डीप नॉलेज बनने वाला हूँ, कोई फालतू बात नहीं करने वाला। तो चलिए सेशन की शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो की, हमारे सेशन की जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि मार्केट अपने प्रीवियस चार्ट को देख के कैसे वर्क करता है, एंड मैंने कैसे एंट्री बनाई, बट मैंने उस ट्रेड में कैसे अपना रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट रख के उस ट्रेड में लॉस बुक करा। तो मेरा लॉजिक गलत नहीं था, बट मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट एरर करा, उसको मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, तो ये वाला। ओके, तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्लिप चलाने वाला हूँ कुछ ही देर में। सबसे ये पूछूंगा कि मैंने गलती क्या करी, एंड अगर मेरे बोलने से पहले अगर आप इस पे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा, और आप पे है वही ट्रेडर वाला दिमाग, ये मैं मानता हूँ। तो मैं आपको एक ये वीडियो दिखाता हूँ, आप इसको देखिए। मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस वाले लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है, मैं आंखें बंद करके मैं पुट साइड की पोजीशन बना दूंगा अपना 20 पॉइंट्स का एसएल लगा के। भले उसमें मेरा एसएल हिट हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मैं मेरा ये प्लान है और मैं इस प्लान में बहुत कॉन्क्रीट हूँ। तो यार कोई बता सकता है मैंने यहाँ पे क्या बोला? फिर देखो, जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारे पास ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना भाई, तो वहाँ मार्केट तुम्हारे डिसीजन को गलत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और तुम्हारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, उसे तोड़ने में 5 मिनट नहीं लगाता, क्योंकि तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर यहाँ पे बहुत बैठे बैठे हैं, सालों से बैठे हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था, मार्केट में कभी कॉन्फिडेंस रहो, बट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एंड ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमने कैसे लॉस बुक करा मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ। तो हमारी 6 तारीख की एक ट्रेड है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस ट्रेड में जो मैंने अभी आपको बोला, इस ट्रेड में मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, कॉन्फिडेंस नहीं, एक्चुअली मैं इस ट्रेड में इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था, मैं भी आपको बताता हूँ। मेरा प्लान ये था, मैंने सोचा था कि मैं इस पे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और मैंने ये बात इस वो वीडियो आज ये बन रही है, और ये वीडियो बहुत 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 आपको हेल्प करेगी आगे जाके, मैं आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो मार्केट जो है, मार्केट हमारा मार्केट हमेशा प्रीवियस चार्ट या प्रीवियस महीने के अकॉर्डिंग के चार्ट के अकॉर्डिंग चलता। मेरी बहुत अच्छी आदत है कि मैं हमेशा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं दिन से 1 घंटा पूरा बैक टेस्ट करता हूँ। मार्केट हमेशा अपने प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग, प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग चलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट ने कैसा सीनेरियो बनाया। तो ये कब का चार्ट है गाइस? ये चार्ट है 4 अक्टूबर का। कब का चार्ट है ये? 4 अक्टूबर का चार्ट है, 4 अक्टूबर ट्यूसडे का चार्ट। अब मैं आपको ले जाता हूँ 5 तारीख को, पिछले महीने की 5 तारीख को। आप देखिए ये मार्केट ने, ये हमारा कब का, अब मैं आपको लेके जाता हूँ 5 तारीख के चार्ट। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। ये चार्ट पता है कब का है? ये है हमारा 4 अक्टूबर का चार्ट है, 4 अक्टूबर का चार्ट है। तो अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट अपने प्रीवियस डाटा को कैसे फॉलो करता है। ये चार्ट, ये वाला चार्ट मार्केट ने अपने पिछले मंथ सेप्टेम्बर के 5 तारीख को बनाया है। ये आप तारीख देख सकते हो, 5 तारीख का ये चार्ट है। हमने इस चार्ट को देख, जो चार्ट बन गया था 4 तारीख को देख के, इस वाले चार्ट को देख के हमने यहाँ पे अपना ये अपनी ये वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो को देख के हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है मार्केट के फ्रेंड, ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ आपका लॉस होना निश्चित है। और जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया कि यार आज के दिन तो मैं प्रॉफिट करके, प्रॉफिट करना मार्केट में बड़ी बात नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना मार्केट में बड़ी बात है। आप 1 दिन प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन आप 10 दिन प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, अगर आपके अंदर ये मेंटेलिटी बना ली आपने कि मेरे को मार्केट से बस प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ हमने किस अकॉर्डिंग काम किया। जैसा हमारा मार्केट 5 सितंबर को, पिछले महीने का चार्ट है, पिछले महीने को जैसे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, हमारे अकॉर्डिंग भी मार्केट ने, जैसा मेरे इस वीडियो के प्लान के अकॉर्डिंग, 6 तारीख की वीडियो है, अक्टूबर की वीडियो है ये, और ये मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो भी है, अकॉर्डिंग भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, बट मार्केट ने थोड़ी स्लाइटली अपने पॉइंट से बहुत ज्यादा गैप ओपन दे दिया था। करीब करीब 300 पॉइंट का मार्केट ने गैप ओपन दे दिया था, 400 पॉइंट। हमने मार्केट में इस दिन किस कार से काम करा मैं भी आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले ट्रेड बनाया अकॉर्डिंग टू अवर प्लान, हम अपने मार्केट के, जो हमारा प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग, हमने एनालाइज के अकॉर्डिंग हमने जो करा था सब कुछ सही था, बट गलती कहाँ हुई? ओवर कॉन्फिडेंस। हमने अपनी एक एंट्री बना दी थी, आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने, भले मैंने जो आज मैं बता रहा हूँ वो नहीं बताया, बट या हमने बहुत डीप एनालिसिस कर रखी है। तो या मैं आपको बताता हूँ, तो हमने यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री बना दी थी, इस जगह में हमने एंट्री बनाई थी, ठीक है, मार्केट में 9:20 में हमने एंट्री बनाई, एंड यहाँ पे हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दिख गया था।
वाले पॉइंट में ये ब्रेकडाउन के बाद हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख गया था। लेकिन दिक्कत यहाँ अभी जब हमारा यहाँ पे 20 पॉइंट्स का एसएल हिट हो गया एसएल, कोई बात नहीं। अगेन हमने क्या गलती करी, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये एंट्री बहुत एक्यूरेट थी और ये एंट्री हमारी बहुत सही भी थी। अभी आप मुझसे पूछोगे भाई एंट्री इतनी एक्यूरेट बनाई हमने, सब कुछ ना सही है, तो गलती क्या करी आपने? गलती ये करी हमने, उसके बाद अपने उससे बड़ी बात, जब हमने बड़ी क्वांटिटी से हमने ट्रेड करा था, हमने कितने लॉट लिए थे उस दिन, हमने 500 क्वांटिटी से ट्रेड लिया, 19,000 का लॉस हमारा पहले हो चुका था, 19K का हमारा लॉस पहले हो चुका था। देन हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे हमारा सारा लॉस रिकवर हो गया था एंड हम 14K के प्रॉफिट में आ चुके थे। यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव भी हो गया था एंड उस ट्रेड में हमारा 50K का अराउंड प्रॉफिट भी चल रहा था। हमारा रिस्क मैनेजमेंट का एरर हो, क्योंकि हम बहुत ग्रीडी हो गए थे। हमने बोला यार जब मार्केट अब हमारे अकॉर्डिंग चल ही रहा है और मार्केट तो अपने प्रीवियस चार्ट को फॉलो कर ही रहा है, देख सकते हो उस दिन भी मार्केट ने थोड़ा कुछ इस प्रकार का चार्ट बनाया था जैसा आप इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो। उस दिन भी मार्केट ने उसी प्रकार का अपना कुछ पैटर्न बना रखा था, बहुत सेम नहीं था। मैंने आपको बहुत बार चीज समझाई है, पूरा सेम नहीं था लेकिन बनाया था, तो मार्केट ने उसी दिन भी ऐसा करा। देन मार्केट ने यहाँ से एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया, मार्केट दोबारा से ऊपर चले गया। अब मार्केट ना ऊपर क्यों गया उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मार्केट जो है, मार्केट बहुत तेज हो चुका है, मार्केट मतलब दिन बढ़ते दिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस दुनिया का भी नियम है कि उस इंसान की ग्रोथ है जो इंसान टाइम के साथ अपने आप में बदलाव लाता है। मार्केट दिन बढ़ते दिन अपने आप में बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है। आज ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, कल ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, तो हमें भी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। और अपने जो बेसिक डिसिप्लिन है लाइक रिस्क मैनेजमेंट, बहुत बड़ी चीज है रिस्क मैनेजमेंट, और ओवर रेजिंग, ये तीन चार चीजें ना, तो तुम तो ना घुट्टी बना के लोग कैसा, हम सब लोगों को ना एक घुट्टी बना के घटक लेनी चाहिए। ये चीजें अगर हमने कर ली ना, हमारा मार्केट में प्रॉफिटेबल होना निश्चित है, कोई इस पे दो राय नहीं होनी। बस कुछ चीजें करनी है बस अपने डिसीजन में, और हाँ अपने लॉस को काटना। अब यहाँ पे देखो गाइस, मेरा 50K के राउंड यहाँ पे भी लॉस हो चुका था, यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था, यहाँ कहीं पे मैंने अपनी पोजीशन काट, जब मैं मार्केट में रॉन्ग प्रूव हो गया। और मैंने उस दिन बोला भी था कि मैं मार्केट से लिख लूंगा तो 50,000 का लॉस लेके लिख लूंगा, बट हमने 40K में अपना लॉस काट दिया था क्योंकि हम मार्केट में पूरा रॉन्ग प्रूव हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट हमारे हिसाब से फिर भी आया, बट इतना मार्केट में हम बैठ नहीं सकते। देखो गाइज, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं आपको एक गुरु मंत्र बताता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग का गुरु मंत्र यह है कि आप अपनी ट्रेड में जल्दी से जल्दी घुसो और उससे भी जल्दी से बाहर निकल जाओ। और एक दिन में अगर आपको ट्रेड बनानी है, अगर आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है और इस प्रॉफिट से आप खुश हैं, दोबारा ट्रेड बनाने की कोई जरूरत नहीं, अपना लैपटॉप बंद कीजिए और अपने दूसरे कामों में लग जाइए, दैट्स इट। ना इसमें मैं दो बातें कम बोल रहा हूँ ना दो बातें ज्यादा, क्योंकि ये चीज मिले प्रॉफिटेबल करी है। तो मैं आपको बस अपना यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई बुकिश लैंग्वेज शेयर नहीं कर रहा, जिस चीजों से मतलब मुझे फायदा हुआ है मैं आपको वो बता। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था, मार्केट अपने पिछले डाटा के हिसाब से चलता है, तो आपके पास आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में सारी मेहनत मैं ही कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? मैं तो वीडियो बना दूंगा, मैं अपना पूरा कर्म कर दूंगा, लेकिन आपको भी अपना आगे से रिटर्न में इन फेवर कर्म करना पड़ेगा, आप तभी मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है। मार्केट मेहनत मांगता है, मार्केट आपका टाइम मांगता है, तभी इतना मार्केट में पैसा कमाना वो बात नहीं है। मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान बात है, बट कमाना बहुत मुश्किल है, आपको बता रहा हूँ। और कमाएगा वही जो अपने डिसीजन में, जो अपने रिस्क मैनेजमेंट में, और जो अपने डिसिप्लिन में कंक्रीट है, वही पैसा कमाएगा मार्केट। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, और इन दो वीडियो को आप जरूर देखिए, इन दो वीडियो को। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।